अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, कि प्लांट ब्रीडिंग का रोल क्या है, वो क्या किरदार अदा कर सकती है प्लांट के करेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करने में। ठीक है, उन करेक्टरिस्टिक्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है कि दोज करेक्टरिस्टिक्स विच आर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले जो हम प्लांट ब्रीडिंग को यूज़ करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है क्रॉप की यील्ड को इम्प्रूव करने में। द फर्स्ट रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज़ इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ यील्ड। तो आप यील्ड को कैसे इम्प्रूव करते हो, उसमें ये होता है कि हम न्यू कल्टीवर यानी इम्प्रूव कल्टीवर्स बनाते हैं। कल्टीवर वो होता है कोई भी क्रॉप, उसकी वो वैरायटी जो अंडर कल्टीवेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, कल्टीवर कहते हैं। ठीक है, दैट वराइटी ऑफ क्रॉप दैट इज़ अंडर कल्टिवेशन इट इज़ नाउन एज कल्टीवर। तो हम क्या करते हैं, नई कल्टीवर्स डेवलप करते हैं जिसमें नए करेक्टर्स आते हैं। और इन कल्टीवर्स में क्या होता है कि हम उन कल्टीवर्स की यील्ड को कैसे इम्प्रूव करते हैं। अब सपोज जिस तरह आपके पास एक इम्प्रूव कल्टीवर तो फील्ड में लगी हुई है, लेकिन डिजीज़ का, वीट का या इंसेक्ट्स का अटैक आ जाता है, तो आप क्या करते हैं कि ऐसी कल्टीवर्स डेवलप करते हो जो इंसेक्ट डिजीजेज या वीड्स के अगेंस्ट टॉलरेंट हों। अच्छा, फिर उसके बाद ऐसी कल्टीवर्स आपने डेवलप की होती हैं, उनकी यील्ड आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो कि वो जो न्यू एक इम्प्रूव एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं। आप देखें कि स्टार्ट में ये होता था कि हमारे पास जो क्रॉप्स होती थी तो उनकी हम हार्वेस्टिंग करते थे, या जो कुछ भी होता था हम कन्वेंशन मेथड्स के ज़रिए करते थे। यानी उस वक्त मैकेनाइज्ड एज नहीं था, मशीनरी को हम यूज़ नहीं करते थे। तो आप जो आप क्रॉप्स करते हो या जो भी आप क्रॉप, देखें आप वीट के एग्जांपल ले लें, जितनी भी वीट होती है तमाम प्लांट्स की हाइट एक जितनी होती है। तो हाइट एक जितने होने की वजह से उसको मैकेनिकली हार्वेस्ट करें, जो मैकेनिकल हार्वेस्टर है, किसी मशीन के ज़रिए हार्वेस्ट करना ईजी होता है क्योंकि एक ही लेवल पे हार्वेस्टर चलता है ना। तो फिर उसके बाद जेनेटिक पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं जिसकी वजह से यील्ड इंक्रीज हो सकती है। जेनेटिक पोटेंशियल मींस कि अच्छे जीन्स को लेके आना। अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हो कि उसमें जो ड्राई मैटर होता है उसमें ये होता है कि ड्राई मैटर अब डेफिनेट वीट में होता है, या वीट हो गया, या जो कोई भी क्रॉप होता है, जब वो मीन्स के नियर टू आप कह सकते हो कि मैच्योरिटी होती है, तो मैच्योरिटी पे यानी वाटर कॉन्टेंट्स को छोड़ के बाकी जो कुछ बचता है वो क्या है, उसका ड्राई मैटर कहलाता है। अच्छा, तो इस वजह से आप एक और चीज़ भी आप माइंड में रखिएगा कि हाइब्रिड कर लिया, जिस तरह आपने मेज़ का नाम सुना होगा। मेज़ क्या होता है कि मेज़ का जो सीड होता है वो हर साल नया बनाना पड़ता है। यू हैव टू डेवलप द सीड ऑफ मेज़ एवरी ईयर। आप कैसे डेवलप करते हो कि आप इनब्रेड लाइन तो आपने रखी होती है, उनको पेरेंट्स कहते हैं, पेरेंट्स को क्रॉस करते हो, क्रॉस करने के बाद जो जो भी एक प्लांट आता है वो हाइब्रिड होता है, उस हाइब्रिड को आप कल्टीवेट करते हो। तो इस हाइब्रिड को डेवलप करने में मुख्तलिफ कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, यानी जिस तरह आपने सीड कंपनीज का नाम सुना होगा जो हाइब्रिड सीड डेवलप हो। तो हाइब्रिड सीड क्या होता है, उसमें ज़्यादा वीकर होता है क्योंकि टू पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स लेके आता है। अच्छा, सेकंड जो रोल है प्लांट का, प्लांट ब्रीडिंग का, वो इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी। अच्छा, इसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में अगर आप देखें कि जिस तरह रैप सीड और मस्टर्ड क्रॉप हो गया, उसमें रूसिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट कंटेंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि इसको बिटर टेस्ट प्रोवाइड करते हैं मस्टर्ड या रेप सीड को। तो आपने ब्रीडिंग की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए ऐसे ऐसे प्लांट्स को क्रॉस करवाया और ऐसे ऐसे जीन के कॉम्बिनेशन उसमें लाए कि उसमें से रूसिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट्स को रिमूव किया, कम कर दिया। रिमूव तो नहीं हुआ लेकिन कम इतना हो गया कि आप कह सकते हो कि जो उसका बिटर टेस्ट है वो किसी हद तक कम हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद इसी तरह कुछ शुगर क्रॉप्स, जैसे शुगर बीट हो गया, शुगर कैन हो गया, उनका डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, शुगर। तो उसमें क्या होता है, आपने शुगर कंटेंट्स को इंक्रीज करना है। अच्छा, नेक्स्ट है क्यूपीएम। क्यूपीएम क्या होता है, क्वालिटी प्रोटीन ऑफ मेज कहते हैं उसे। अच्छा, उसमें यह होता है, जाहिर है प्रोटीन इज कम्पोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स। तो उसमें यह हुआ कि एक बैलेंस जो क्वालिटी प्रोटीन मेज थी उसमें अमाइनो एसिड्स का प्रोपोर्शन करके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव, यानी न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स में लाया गया।
सिमिलरली ऑयल सीड्स के अगर आपने ऑयल कॉन्टेंट्स को इम्प्रूव करना है तो डेफिनेटली यू विल टोटली रिलाई अपॉन द टेक्निक्स ऑफ ब्रीडिंग. थर्ड है रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक प्रोग्रेस. अच्छा, प्रोग्रेस की बजाय अगर हम स्ट्रेस वर्ड यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा. बायोटिक क्या होता है? लिविंग थिंग्स. और एबायोटिक क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स. अच्छा, स्ट्रेस क्या होता है? जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल जिस तरह कोई क्रॉप है तो उसमें जो लिविंग थिंग्स जो उस पर स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं वो पैरासाइट्स हो सकती हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, कोई डिजीज मीन्स के फंगल डिजीज हो सकती है जो लिविंग थिंग्स की वजह से हो. ठीक है, जबकि ए बायोटिक स्ट्रेस जो होता है वो नॉन लिविंग फैक्टर्स की वजह से होता है, जिसमें ड्राउट हो सकता है, सैलिनिटी हो सकता है, कोल्ड स्ट्रेस हो सकता है, हीट स्ट्रेस हो सकता है. तो अब क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस अगेंस्ट बायोटिक स्ट्रेस है या ए बायोटिक स्ट्रेस है, इसके लिए वीट, बारले, ओट्स या मेज की बहुत सारी ऐसी कल्टीवर्स ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के जरिए बनाई गई हैं, यानी प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए. इसी तरीके से जीएमओज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. इसमें एक चीज़ है जिस तरह बीटी जीन, बीटी मींस बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस. बीटी किसे कहते हैं? बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस. यानी बैक्टीरिया से एक जीन निकाला गया और बीटी कॉर्न यानी मेज बनाएगी उसमें. यानी आपने बैक्टीरिया से वो बीटी जीन निकाला और उस बीटी जीन को आपने ट्रांसफ़र कर दिया मेज में. अब क्या होता है कि जब मेज के अंदर वो जीन आ गया तो मेज में नेचुरली प्रोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं. अब कोई इंसेक्ट आके उसके ऊपर जब अटैक करता है पर्टिकुलर स्टेम बोरर्स, तो वो जो प्रोटॉक्सिन होता है जो बीटी जीन ने प्रोड्यूस किया वो उस इंसेक्ट के गट में चला जाता है. वो प्रोटॉक्सिन उसके गट में जाके टॉक्सिन बन जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर किल हो जाते हैं, यानी कि वो इंसेक्ट्स उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते. सिमिलरली ऐसी वीट की वैरायटीज़ बनाई गई हैं, ऐसी बारले की वैरायटीज़ बनाई गई हैं, ओट्स की वैरायटी बनाई गई हैं जो सेलाइन और ड्राउट के अगेंस्ट मतलब रेजिस्टेंस रखती हैं. अब ड्राउट क्या होता है? एब्सेंस ऑफ यानी कि वाटर, पानी अगर ना मिले, यानी रेनफॉल ना. अब पर्टिकुलरली अब हमारा जो रेन फेड एरिया है इसमें क्या होता है कि रेनफॉल डेफिनेटली हमारी जो एग्रीकल्चर टोटली रेनफॉल पर डिपेंड करती है. अगर रेनफॉल प्रॉपर नहीं होगी तो ये डेफिनेट फैक्ट है कि एक ड्राउट फील करना शुरू कर देगा प्लांट. और ड्राउट के अब आपने क्या किया है कि ऐसी वैरायटीज डेवलप की हैं कि प्लांट्स की वाटर रिक्वायरमेंट कम से कम हो सके. इसके बाद फिर आपने वीट की जो ड्वार्फ वैरायटीज बनाई, ड्वार्फ वैरायटीज में क्या होता है, स्टेम जो होता है वो स्टिफ हो जाता है, मतलब सख्त हो जाता है. तो फॉर एग्जांपल अगर विंड का कोई स्ट्रेस आ जाता है या विंड स्टॉर्म आ जाता है तो उसके अगेंस्ट उसको क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट लॉजिंग. अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है अर्लीनेस, मींस के अर्ली मैच्योरिटी ऑफ द वैरायटी. तो बेटे उसमें आपने जो बात जहन में रखनी है कि उसमें अर्लीनेस मीन्स की क्रॉप्स का जो मैच्योरिटी पीरियड है उसको रिड्यूस कर दिया जाए. फॉर एग्जांपल जिस तरह पहले जो कॉटन होती थी जो दैट वाज नॉट डेवलप्ड, जो इतने इम्प्रूव रेट नहीं थे, तो उसका मैच्योरिटी पीरियड 270 था. बट नाउ जो ब्रीडिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए जो साइंटिफिक कॉटन की वराइटीज़ डेवलप की गई हैं उनका मैच्योरिटी पीरियड 270 डेज से कम हो के 170 डे हो चुका है. यानी कि फार्मर कैन गेट क्रॉप विद इन 170 डेज, तो उसको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता. तो सिमिलरली आपके पास अदर दूसरी क्रॉप्स की एग्जांपल्स भी मौजूद हैं. फिफ्थ फीचर आ जाता है क्रॉप की अडैप्टेबिलिटी. तो अडैप्टेबिलिटी में अडैप्टेबिलिटी क्या होता है कि एडजस्टमेंट होता है कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में. ठीक है, यानी कि वो फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने एक चीज़ देखी होगी कि वीट की कुछ वैरायटीज ऐसी जो इरिगेटेड एरियाज में हो सकती हैं, हो सकता है वो हमारे रेनफेड एरिया में ना हो सकती हों. तो अब आपने ऐसा करैक्टर लाना है कि जो आपकी हाई यील्डिंग वैरायटीज है, चाहे वो इरिगेटेड एरिया हो चाहे वो रेनफेड एरिया हो, उसमें वो अडेप्ट कर सकें अपने में. तो आपने ब्रीडिंग के जरिए ऐसी वैरायटीज प्रोड्यूस की हैं दैट हैव वाइड अडॉप्टेबिलिटी. नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म मैच्योरिटी. यूनिफॉर्म मैच्योरिटी मीन्स के फॉर एग्जांपल आपने
जो वैरायटी डेवलप की है, जो आपके पास क्रॉप है, तो यूनिफॉर्म मैच्योरिटी एक तो उनकी में यूनिफॉर्मिटी, वैरायटी में जो सबसे अहम ट्रेट होता है डस्ट करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं वैरायटी में होने चाहिए, DUS, डी स्टैंड फॉर ड्यूरेबिलिटी, यू स्टैंड फॉर यूनिफॉर्मिटी, एस स्टैंड फॉर स्टेबिलिटी। तो ये जो यूनिफॉर्म मैच्योरिटी मीन्स कि ऑल प्लांट्स ऑफ सेम क्रॉप शुड बी मैच्योर्ड एट द सेम टाइम, तमाम जो प्लांट एक वैरायटी के या क्रॉप के उनको सेम टाइम पे मैच्योर होना चाहिए। जब वो सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तब उनको सेम टाइम पे हार्वेस्ट कर सकते हो, चाहे वो मैकेनिकल हार्वेस्टर हो या व्हाटसोएवर। तो ये ब्रीडिंग टेक्निक ने ये करेक्टरिस्टिक डेफिनेटली लाया है कि तमाम की तमाम जो क्रॉप्स हैं सो दे कैन गेट मैच्योर एट द सेम टाइम। तो ये हमारा रोल ऑफ ब्रीडिंग है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि वो है रोल ऑफ जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग।